साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के बाद लाडला भाऊ योजना को भी लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। शिंदे सरकार के इस बड़े फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह घबरा गया है, ना तो विरोध करते बन रहा है और ना ही सपोर्ट करते। उद्धव ठाकरे और संजय राउत तो दोनों ही योजना को लेकर मीडिया के सवालों से बचते भी देखे गए। तो क्या है शिंदे सरकार की लाडला भाऊ योजना? लाडली बहन और लाडला भाऊ योजना से शिंदे सरकार को और महायुति को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा और एमवीए पर कितने संकट के बादल गहरा चुके हैं, आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और इन दोनों ही योजनाओं को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाडली बहन योजना सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री ने अब लाडली बहनों के बाद लाडला भाऊ योजना का भी ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना के लिए पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो मध्य प्रदेश चुनाव में बाजी पलटने में सफल रहे थे। क्या ऐसा ही करिश्मा अब एकनाथ शिंदे भी कर पाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे पिछले 2 सालों से अपनी छवि बनाने में सफल दिख रहे हैं। ठाणे जिले में उनका वर्चस्व स्थापित हुआ है। हालिया सर्वे में भी सामने आया है कि ठाणे की 13 विधानसभा सीटों में ज्यादा महायुति को मिलती दिख रही है और इसकी वजह शिंदे सरकार का होना है। अब महाराष्ट्र बजट में घोषित लोक लुभावन योजनाओं के बल पर क्या महायुति सरकार वापसी कर लेगी? इस सवाल पर राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लाडली बहन योजना थोड़ी देर से आई है। अगर यही योजना जनवरी में आई होती तो उससे कितना फायदा होता, ये लोकसभा चुनाव में ही नजर आ जाता, क्योंकि इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव में ही हो जाता। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को पहली किश्त 15 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन पहले मिलने की संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लाभार्थी का कितना लाभ महायुति को मिलता है। यहाँ आपको बता दें, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के लिए अभी तक 44 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी है और इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। यानी कि 44 लाख महिलाओं ने सीधे शिंदे सरकार को सपोर्ट दिया है, ये साफ नजर आ रहा है। अब लाडली बहन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाऊ योजना लागू करके तो विपक्ष की जैसे बोलती ही बंद कर दी है। लाडला भाऊ या लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास लड़कों को 6,000 रूपए और जो बेरोजगार है उसे सरकार 10,000 रूपए देगी। वहीं लाडली बहन योजना के मद्देनजर महिलाओं को 1,500 रूपए दिए जाने का ऐलान हो चुका है। अब बैक टू बैक इन दोनों ही योजनाओं के लागू होने से शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, ये कोई छोटी रकम नहीं है और ऐसे में ऐसी योजनाओं को लागू करके वो महाराष्ट्र को कर्ज के गर्त में लेके जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि मध्य प्रदेश की कॉपी करना आसान नहीं है, मध्य प्रदेश कर्जे में नहीं होगा लेकिन महाराष्ट्र बुरी तरह कर्जे में है। लाडली बहन के बाद लाडला भाई योजना लागू तो कर दी लेकिन क्या सरकार लड़कों तक ये पैसा पहुँचा पाएगी या फिर ये सिर्फ कागजी योजना ही बनकर रह जाएगी? संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि हमारी ये मांग है कि लाडली बहन को भी 10,000 रूपए दिए जाए। 1,500 रूपए से उनका घर नहीं चलेगा, किसानों की बेरोजगारी पर रोक नहीं लग पाएगी। इस सरकार का ध्यान किसानों पर नहीं है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत योजना के खिलाफ कुछ नहीं कह पाए, बस बेवजह के सवाल वो उठाते रहे। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी लाडली बहन या लाडला भाऊ योजना के लेकर मीडिया के सवालों से बचते हुए साफ नजर आए, क्योंकि दोनों के पास सिर्फ बोलने को कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि शिंदे सरकार की इस योजना ने सीधे 44 लाख महिलाओं को आकर्षित किया है। 44 लाख महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर चुकी है और लाडला भाव योजना के तहत भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसका डेटा जल्द ही आ जाएगा। तो साफ हो चुका है कि महायुति को इस योजना का बेहद लाभ मिलने वाला है। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही योजना से शिंदे सरकार महायुति को लाभ दिला पाएंगे और क्या वाकई में एमवीए गठबंधन अब संकट में आ चुका है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो लोकसभा चुनाव में मिली जीत से गदगद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वो महाराष्ट्र की 288 में से 125 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने पर सहमति बनाई। अब उद्धव ठाकरे एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो गठबंधन में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं के साथ मिलकर वो 125 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस को चुभ सकती है और चुभ भी गई है। इसके लिए कांग्रेस और एनसीपी ने अब बड़ा कदम भी उठा लिया है। अब खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे गठबंधन में रहकर अकेले अकेले सीटों का फैसला ले रहे हैं और अगर 288 में से 125 सीटों पर वो अकेले लड़ेंगे तो कांग्रेस और शरद पवार के हाथ बेहद कम सीटें रह जाएंगी, मुश्किल से 50-50 सीटें। इसी बात की चिंता अब कांग्रेस पार्टी और शरद पवार को सता रही है। खबरों की माने तो इसीलिए अब कांग्रेस और पवार ने मिलकर उद्धव ठाकरे को ही रिप्लेस करने का मन बना लिया है और इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसलिए कांग्रेस और शरद पवार के करीबी नेता ने राज ठाकरे से मुलाकात की। इन तीनों ही खेमों की लंबी मीटिंग हुई। हालांकि इस मीटिंग को काफी सीक्रेट रखने की कोशिश की गई, मगर मीडिया को इसकी भनक लग गई और सामने आया है कि इस मीटिंग की खबर लीक होते ही उद्धव ठाकरे के खेमे में भी हंगामा मच गया। उद्धव ठाकरे ने खबर की तस्दीक भी करवाई, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे बेकाबू हो गए, क्योंकि अभी के हिसाब से महाविकास अघाड़ी भी उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है और ये तीनों मिलकर ही विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यूं राज ठाकरे का अचानक नाम आने से, राज ठाकरे के साथ अचानक हुई मीटिंग की खबर आने से उद्धव ठाकरे बेहद सदमे में आ गए हैं। अब तक उद्धव ठाकरे गठबंधन में रहकर खूब मनमर्जी चला रहे थे, मगर अब उद्धव को बड़ा झटका लगा है। राज ठाकरे के साथ मिलकर कांग्रेस और पवार के नए गठबंधन की खबर से उद्धव बेहद परेशान हो गए हैं। सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेताओं को अर्जेंट मीटिंग के लिए भी बुलाया और इस खबर की तस्दीक करने को कहा। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई में उद्धव को राज ठाकरे रिप्लेस कर सकते हैं? क्या राज ठाकरे में वो दमखम है कि वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाए? और क्या विधानसभा चुनाव में अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह अकेले बढ़ जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।